हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जाएंगे चिकन कीमा इन कुकर। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक कुकर में ऑयल गरम करके उसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छी तरह से लाल होने के बाद में उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसमें टोमेटो डालकर कीमा डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। उसमें हम गरम मसाला, हल्दी, लाल मसाला और थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब उसके बाद हम मटर और आलू डाल देंगे। तो उसे अच्छी तरह से भून कर थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ी कसूरी मेथी भी उसमें ऐड करेंगे और कुकर लगा कर बंद कर देंगे। एक सीटी होने के बाद हमारा चिकन कीमा तैयार है। ये बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। थैंक यू।